हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजीपे से रिलेटेड कुछ सवाल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कल डीजीपे के बारे में एक वीडियो डाला था, तो उसमें कई सारे सवाल आए हैं कि जो है डीजीपे मतलब किसी का तो चल नहीं रहा है। और एक सवाल हो रहा है कि जो 5000 का मेंटेन बैलेंस है वो करना पड़ेगा डीजीपे के अंदर, तो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने डिजी मेल अकाउंट में। जैसे ही मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप 10 अगस्त में मेरे पास जो CSC का न्यूज़ लेटर आता है, ये जो हर हफ्ते न्यूज़ लेटर आता है आपके पास CSC का, तो उसमें ही आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर ही डिजीपे 3.0 वर्ज़न यहाँ पर दिखाया गया है, 3.0 वर्ज़न इज़ अवेलेबल नाउ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधा मोर पर जाना है, ठीक है। मोर पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो ये जो है नेक्स्ट पेज पे आपको लेके आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ अपने को क्या करना है, देखें हिंदी में पढ़ने के लिए मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप सारा पढ़ सकते हैं कि भाई डीजीपे का जो 3.0 वर्ज़न आया है वो कैसे कैसे आपको मतलब इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। वैसे मैंने उसके लिए कल वीडियो बना दिया है, तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, बात थी इसमें मेन जो है 5000 का मेंटेन बैलेंस रखने की। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और ये जो इमेज आई है आप देख सकते हैं, इसके साथ अटैच इमेज है, तो इसमें दिखाया गया है कि डीजीपे 3.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड टुडे। तो यहाँ पे सब चीज़ पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो आप CSC ID के थ्रू करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें मेन पॉइंट जो है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इसमें मेन पॉइंट आप 5वें पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि वी रियली हैव टू कीप मिनिमम डीजीपे बैलेंस ऑफ ₹5000 एज सिक्योरिटी। मतलब आपको जो है डीजीपे का जो बैलेंस है मिनिमम वो 5000 क्या है सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ेगा। आफ्टर मेंटेनिंग ₹5000 इन डीजीपे बैलेंस, यानी कि जब आप ₹5000 मेंटेन कर लोगे डीजीपे बैलेंस के अंदर, उसके बाद वी रियली कैन सेंड द पे आउट रिक्वेस्ट ऑफ मोर देन ₹2500। यानी कि 5000 से ऊपर अगर आपके अकाउंट में ₹2500 या ₹5000 पड़े हैं, तो उनको आप मतलब पे आउट ले सकते हैं। अगर आपके पास ₹5000 हैं आपके डीजीपे बैलेंस में, तो उसका आप पे आउट नहीं ले सकते हैं। तो कुछ वीएली भाइयों को यहाँ पे ये भी दिक्कत आ रही थी कि जो है उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं ₹1000-2000, तो वो जो है उनका पे आउट नहीं लग पा रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम यही है कि अभी जो ये डीजीपे का नया वर्जन आया 3.0, तो इसमें ये कंडीशन रखी गई है कि आपको डीजीपे का मिनिमम बैलेंस जो है वो 5000 रखना पड़ेगा, और 5000 के ऊपर आपके पास जो भी बैलेंस है, यानी कि वो 2500 से ऊपर का बैलेंस होना चाहिए, उसको आप पे आउट के रूप में ले सकते हैं अपने खाते में, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सारा नीचे दिखाया गया, पे आउट रिक्वेस्ट अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन वीएली अकाउंट, तो वीएली अकाउंट्स की में ही जाएगा वो ट्रांसफर, जो भी लगाएंगे आप, जो भी आपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट किया होगा अपना अकाउंट, उसी अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और नीचे एक और बात कही गई है, डीजीपे एफिडेविट एंड इंडेमिनिटी बॉन्ड एक बनवा के देना है। इंडेमिनिटी बॉन्ड ₹100 के स्टाम्प पेपर पे और CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जमा करना है 31 सितंबर 2018 इसकी लास्ट डेट है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो मेन मुद्दा था वो डीजीपे मिनिमम बैलेंस को लेकर था। तो ये मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, डीजीपे का जो मिनिमम बैलेंस है वो कितना रखना है या क्या रखना है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे यही है कि ₹5000 आपको रखने पड़ेंगे। वैसे ये जो है न्यू वर्जन आया है डीजीपे का 3.0, तो अभी इसमें कुछ मतलब अपडेट इसकी बाकी है, मतलब थोड़ा इसमें अपडेट होगा या इसकी कुछ कंडीशन हटेगी या कैसे होगा, ठीक है। तो अगर आप ₹5000 बैलेंस इसके अंदर रख सकते हैं डीजीपे के अंदर, तो आप डीजीपे यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर ₹5000 बैलेंस नहीं रख सकते हैं, तो आप अभी डीजीपे यूज़ मत करिए, यही मेरा कहना है। तो दोस्तों, जैसे ही इसमें कुछ चेंजिंग या बदलाव होंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे ये ₹5000 का बैलेंस जो है कुछ ज़्यादा ही है, ₹1000 तक तो मेंटेन कर सकता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ₹5000 की सिक्योरिटी ले रहे हैं, उसमें CSC ID में ₹1000 की सिक्योरिटी पहले ही रखी हुई है, तो ऐसे तो मतलब लूटने का काम चल रहा है ये डिजिटल सेवा में। दोस्तों, अगर आप रख सकते हैं ₹5000 का बैलेंस, तो आप डीजीपे यूज़ करिए, नहीं तो आप डीजीपे यूज़ मत करिए, मेरा यही कहना है। दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, एक डीजीपे के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक नई चीज़ आई हुई है वॉलेट टॉपअप की, तो कल वो रह गई थी वॉलेट टॉपअप क्या है, तो उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने सॉफ्टवेयर में चलता हूँ पहले।
तो दोस्तों यहाँ पे डिजीपे में एक नया ऑप्शन आया हुआ है वॉलेट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉलेट का ऑप्शन है ये, ठीक है। तो इसका क्या काम है? तो वॉलेट का ये काम है, जो आपका डिजिटल सेवा का वॉलेट है उसमें आप क्या करते थे, इंटरनेट बैंकिंग से पैसे ऐड करते थे या डेबिट कार्ड से पैसे ऐड करते थे। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, आप जो है ना वॉलेट में जाके डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट से जैसे आप विड्रॉल करोगे तो वो आपका वॉलेट टॉपअप हो जाएगा, या अपने अकाउंट से विड्रॉल करोगे तो आपका डायरेक्ट डिजिटल सेवा के वॉलेट में चला जाएगा अमाउंट वो, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये वॉलेट दिया गया है। बाकी ये जो क्लाइंट लॉक्स दिया हुआ है, क्लाइंट्स लॉक में आपको जो है ना जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उनकी यहाँ पे स्लिप निकाल सकते हो बाद में, ठीक है। क्लाइंट लॉक्स ये है और आप देख सकते हैं कि भाई किसकी मैंने कितनी ट्रांजेक्शन की है सब कुछ, और बाकी तो सब कुछ वही है, ठीक है। और बाकी इसमें मेंटेन बैलेंस रखना पड़ेगा आपको 5000, मेरा मेन मकसद यही था वीडियो बनाने का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।